सबसे पहले बात करेंगे रथ यात्रा को लेकर, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी इस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने रथ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि ममता सरकार सिर्फ अपनी राजनीतिक डर के मारे एक लोकतांत्रिक पार्टी को जनता के बीच जाने के अधिकार से रोक रही है। वेस्ट बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वो अमित शाह जी से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से इतनी डरी हुई क्यों है? वहीं रथ यात्रा को लेकर मीटिंग करने के आरोप में पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में 4 बीजेपी के नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, राहुल सिन्हा और राजू बनर्जी पर इजाजत के बगैर बैठक करने का आरोप है। अदालत के फैसले का हम स्वागत करते हैं जिसमें यात्रा पर रोक लगाई गई है, यद्यपि पश्चिमी बंगाल में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। बीजेपी कह चुकी है कि उनकी रथ यात्राएं रद्द नहीं, स्थगित हुई हैं। कूच बिहार, दक्षिण 24 परगना और बीरभूम में ये रथ यात्राएं 7, 9 और 14 दिसंबर को शुरू होनी थी। पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा को लेकर बीजेपी और ममता सरकार में छिड़ी जंग के बीच RSS प्रमुख मोहन भागवत भी 4 दिन के लिए बंगाल जा रहे हैं। RSS के सरसंघचालक मोहन भागवत का पश्चिम बंगाल दौरा 11 दिसंबर से शुरू होगा। मोहन भागवत 10 दिसंबर की रात से ही कोलकाता पहुंच जाएंगे। उसके बाद 11 दिसंबर को सिलीगुड़ी में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। 12 दिसंबर को लौटकर कोलकाता में संघ कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। सूत्रों के मुताबिक 4 दिन के दौरे में भागवत किसी सभा को संबोधित नहीं करेंगे, सिर्फ प्रांत प्रचारकों और स्वयं सेवकों से मिलेंगे और 14 दिसंबर को कोलकाता से ओडिशा रवाना हो जाएंगे। संघ प्रमुख का बंगाल दौरा 6 महीने बाद हो रहा है। मई 2018 में RSS प्रमुख को कोलकाता में कार्यक्रम के लिए ऑडिटोरियम नहीं दिया गया था। जनवरी 2018 में भी RSS प्रमुख को कोलकाता में रैली की इजाजत नहीं दी गई थी। बीजेपी की 3 रथ यात्राओं को इजाजत न देने से राज्य का सियासी माहौल पहले से गर्म है। बीजेपी की याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट में 14 दिसंबर को सुनवाई होनी है। प्रधानमंत्री मोदी कुंभ की तैयारियों का जायजा लेने 16 दिसंबर को प्रयागराज जा रहे हैं। PM कुंभ के कई निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज होने के बाद PM मोदी का ये पहला दौरा होगा। PM मोदी प्रयागराज में करीब 3,500 करोड़ के कार्यों का उद्घाटन करेंगे। शनिवार को CM योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के मेला क्षेत्र में घूम घूम कर एक एक तैयारी का जायजा लिया। योगी ने दावा किया कि ये अब तक का सबसे भव्य कुंभ मेला होगा। देश और दुनिया का सबसे बड़ा एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होता है। इसको हम भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ के रूप में प्रस्तुत करने में सफल होंगे। कुंभ मेले के लिए UP ATS ने भी जिम्मा संभाल लिया है। ATS की 2 यूनिट तैनात हो गई है। प्रयागराज कुंभ 14 जनवरी से शुरू होकर 5 जून तक चलेगा। राम मंदिर मुद्दे पर विश्व हिंदू परिषद आज दिल्ली के रामलीला मैदान में विराट धर्म सभा कर रही है। रामलीला मैदान पर VHP की विराट धर्म सभा को संसद के शीत सत्र से पहले राम मंदिर पर अध्यादेश लाने को लेकर आखिरी अल्टीमेटम माना जा रहा है। धर्म सभा को साधु संतों के अलावा RSS के सर कार्यवाह सुरेश भैया जी जोशी, VHP के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु सदाशिव कोकजे भी संबोधित करेंगे। मैं कोई अदालत की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा जो मैं कहता हूं उसे कानून के दायरे में आप लाइए। आज तक ये लड़ाई इसी आधार पर लड़ी गई, हमने कहा और इसको कानूनी जामा पहना। धर्मसभा रामलीला मैदान पर सुबह 11 बजे से 4 बजे तक होगी। VHP ने इसमें 5,00,000 लोगों के शामिल होने का दावा किया है। रामलीला मैदान में 50,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। मैदान के अंदर 10 और बाहर 15 बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं। कार्यकर्ताओं को लाने के लिए 10,000 बसें लगाई गई हैं। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के लिए रामलीला मैदान के इर्द गिर्द 15,000 जवानों को तैनात किए हैं। भीड़ को देखते हुए कई रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। ये तमाम ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे यातायात प्रभावित रहने की संभावना है, लेकिन लोगों को सलाह है कि जहाँ तक संभव हो तो इन मार्गों से बचकर चलें। VHP ने 25 नवंबर को अयोध्या की धर्म संसद में भी अध्यादेश लाकर राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करने की मांग उठाई थी।
इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राम मंदिर के लिए हिंदू समाज सरकार के भरोसे नहीं है। संसद का शीत सत्र 11 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जबकि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जनवरी में होनी है। मध्य प्रदेश में अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बीजेपी के सारे प्रत्याशियों के साथ ऑडियो संवाद करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने एमपी में त्रिशंकु विधानसभा के अनुमानों को खारिज कर दिया है। दतिया की पीताम्बरा पीठ में पूजा पाठ करने के बाद शिवराज ने लगातार चौथी बार सरकार बनाने का दावा किया। कांग्रेस बौखलाई है, माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की ठोस जमीन तैयार है और हम शानदार बहुमत प्राप्त करेंगे, शानदार सफलता प्राप्त करेंगे, चौथी बार सरकार बनाएंगे। सर कितनी सीट लगती है आपको, कितनी सीटें? हमने जो लक्ष्य तय किया था उसके आसपास पहुंचेंगे हम। जी न्यूज के महा एग्जिट पोल ने मध्य प्रदेश में त्रिशंकु विधानसभा के संकेत दिए हैं, लेकिन शाम को भोपाल में मध्य प्रदेश बीजेपी की मीटिंग हुई। पार्टी ने शिवराज को चौथी बार सरकार बनाने के लिए एडवांस गुलदस्ता दे दिया। इस पे चर्चा होगी कि शपथ कब लेना है, शपथ विधि कब होगी और 140 से ज्यादा सीट आएगी। शिवराज का सभी बीजेपी प्रत्याशियों से ऑडियो संवाद आज सुबह 11 बजे होगा। इसे त्रिशंकु विधानसभा बनने की सूरत में सभी उम्मीदवारों को अभी से जोड़े रखने की कसरत के तौर पर भी देखा जा रहा है। तमाम एग्जिट पोल्स में राजस्थान में कांग्रेस के सत्ता में लौटने का अनुमान है, फिर भी ईवीएम मशीनों को लेकर कांग्रेस की बेचैनी बढ़ती जा रही है। राजस्थान के भरतपुर में कांग्रेस विधायक विश्वेंद्र सिंह ने समर्थकों के साथ आईजी के निवास पर हल्ला बोल दिया। विधायक ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार स्ट्रांग रूम में ईवीएम से छेड़छाड़ करवा रही है और खुद कलेक्टर एसपी ये काम कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक ने भरतपुर में आग लगाने तक की धमकी दे डाली। यहाँ बहुत सीरियस सिचुएशन है, क्योंकि शराब पी के उन्होंने जो बदतमीजी करी है और वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी। आज हम लोग सब पार्टी के कैंडिडेट इकट्ठे हैं और जनता आ रही है और हम काउंटिंग नहीं होने देंगे जब तक आईजी साहिबा चार्ज नहीं ले लेंगे एसपी से कल, और एसपी के अंडर तो काउंटिंग हो ही नहीं सकती। विधायक का आरोप है कि उनके बेटे ने जब एसपी से शिकायत की तो उसे पीटा गया। पूर्व सांसद ने भी आरोप लगाया कि एसपी उस वक्त नशे में थे। एसएचओ शराब पिए पड़ा था, दो मरे मराए सिपाही बैठे थे जिनमें दम नहीं थी, और लड़का हमारा गया, उसने दरवाजे भी ठोक लिए, आधे खोल भी लिए, कोई रिएक्शन नहीं, कोई पूछने वाला नहीं कि तुम कौन हो। देर रात तक हंगामे के बाद लगभग सभी कांग्रेस उम्मीदवार मौके पर पहुंच गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। राम मंदिर आंदोलन को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एक विवादित बयान दिया है। खुद को राम का भक्त बताने का दावा करने वाले फारूक अब्दुल्ला ने अब राम भक्तों को लेकर विवादित बयान दिया है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक ने कहा कि किसानों और बेरोजगारों की मदद के लिए क्या राम स्वर्ग से आएंगे? Or the unemployed will disappear in one day because Ram is coming? They are fooling people. फारूक ने कहा कि देश को असल मुद्दों से भटकाने के लिए भावनात्मक मुद्दे उछाले जा रहे हैं। हालांकि अनुच्छेद 35A के मुद्दे पर स्थानीय चुनाव का बायकॉट करने वाले फारूक ने माना कि बायकॉट करना मसले का हल नहीं है। केंद्रीय सामाजिक अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले से ठाणे में एक युवक ने कल रात बदसलूकी की। तस्वीरों से साफ नहीं है कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले को थप्पड़ लगा या नहीं, लेकिन इसके बाद आरपीआई कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी करने वाले की जिस तरह से मरम्मत की वो सबको दिखाई दिया। अठावले थाने के अंबरनाथ में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे। स्टेज से उतरकर वो कार की तरफ जा रहे थे, तभी ये बदसलूकी हुई। पुलिस ने अठावले को मौके से रवाना कर दिया, लेकिन भीड़ इसके बाद भी युवक को तब तक पीटती रही जब तक वो गिर नहीं गया और बेहोशी की हालत में नहीं पहुंच गया। बाद में पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और अस्पताल में भर्ती कराया। युवक की अठावले से किस बात पर नाराजगी थी अभी पता नहीं चला है। सोनिया गांधी का आज जन्मदिन है, वो 72 साल की। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी का 72वां जन्मदिन आज है, लेकिन एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के रुझान देखने के बाद कांग्रेस ने कल ही जन्मदिन का जश्न मनाना शुरू कर दिया। सोनिया गांधी के निवास 10 जनपद पर जमकर ढोल बजाए गए।
नेता कार्यकर्ता गुलदस्ते लेकर पहुंचे। हालांकि 5 राज्यों के चुनाव प्रचार में सोनिया गांधी ने सेहत की वजह से सिर्फ तेलंगाना में ही एक चुनावी रैली की थी। 2019 में मोदी सरकार के खिलाफ महागठबंधन बनाने की कोशिश में विपक्षी दलों के कई नेता आज सोनिया गांधी को बधाई देने पहुंचेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक पर रिटायर्ड जनरल डीएस हुड्डा के बयान पर सियासत शुरू हो गई। सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन से जुड़े पूर्व सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डीएस हुड्डा ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक की कामयाबी पर शुरुआती उत्साह स्वाभाविक था, लेकिन इसका जरूरत से ज्यादा प्रचार किया गया जो ठीक नहीं है। लोग बोलते हैं ये पॉलिटिसाइज हो गई है। कुछ मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा ओवर हाइप हो गई, थोड़ी पॉलिटिसाइज हो गई। बट फ्रॉम द मिलिट्री पर्सपेक्टिव इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन और इसको हमें करने की बहुत जरूरत थी और हमने किया उसको। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डीएस हुड्डा के इस बयान के बाद सेना अध्यक्ष बिपिन रावत ने भी प्रतिक्रिया दी। दीज आर इंडिविजुअल पर्सन्स परसेप्शंस, सो लेट्स नॉट कमेंट ऑन देम। ईच वन हैज हिज ओन परसेप्शन ऑन द हाउ थिंग्स शुड बी डन। ही वाज वन ऑफ द मेन पर्संस हु वाज इन्वॉल्वड इन द कंडक्ट ऑफ दोस ऑपरेशंस, सो आई रिस्पेक्ट हिज वर्ड्स वेरी मच। वहीं कांग्रेस ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा ने एक तरह से सरकार पर कांग्रेस के आरोपों की पुष्टि ये हम पहले उठाए, लेकिन अब जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे वो लोग भी ओपनली बाहर आए। सुंदरबनी में पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन और हमले में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया। भारतीय सुरक्षा बलों ने इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया। सुंदरबनी सेक्टर में भारत की तरफ से हुई जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की 2 चौकियां तबाह हो गई हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स कई दिनों से नियंत्रण रेखा पर सीज फायर तोड़कर भारतीय चौकियों को निशाना बना रहे थे। गुरुवार को माछिल सेक्टर में पाकिस्तानी गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हुआ था। इस बीच सुरक्षा बलों ने शनिवार को घाटी में 2 और आतंकियों को मार गिराया। ये मुठभेड़ श्रीनगर के मजगुंड में हुई। आतंकियों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी भी की। सेना की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में अब तक 225 आतंकी मार गिराए जा चुके हैं। रिपोर्ट में पत्थरबाजी में कमी आने और गवर्नर रूल के बाद हालात सुधरने का भी दावा किया गया है। आतंकी संगठन गजवत उल हिंद के कमांडर जाकिर मूसा की पंजाब में तलाश तेज हो गई है। मोस्ट वांटेड आतंकी जाकिर मूसा की तलाश में पंजाब पुलिस और एसटीएफ के साथ सेना भी जगह जगह तलाशी अभियान चला रही है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक मूसा सिख बनकर छिप रहा है। उसने पगड़ी के साथ दाढ़ी बढ़ा ली है और देखने में सिख की तरह लगता है। लुधियाना और बठिंडा रेलवे स्टेशन के पास सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। पंजाब के कई शहरों में जाकिर मूसा के पोस्टर लगाए गए हैं। जाकिर मूसा का खास तौर पे है। इसके अलावा भी हम जो व्हीकल भी चेक कर रहे हैं, सब जो चेकिंग चल रही है हाई अलर्ट की वजह से। हमें बस स्टैंड, जितने भी होटल हैं, जहाँ धर्मशाला है, सभी को चेक कर रहे हैं। इससे पहले नवंबर में भी पंजाब के गुरदासपुर और अमृतसर से सटे जिलों में मूसा के छिपे होने की खुफिया सूचना के बाद पंजाब पुलिस ने उसके पोस्टर लगाए थे। लोगों से भी चौकन्ना रहने और संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत सूचना देने की अपील की जा रही है। बुलंदशहर हिंसा मामले में सेना ने अपने जवान जीतू को पूछताछ के लिए यूपी एसटीएफ को सौंप दिया है। बुलंदशहर हिंसा में सेना के जवान जीतू का नाम आने के बाद उसका परिवार बचाव में उतर आया है। जीतू के भाई ने आरोप लगाया है कि उसके भाई को फंसाया जा रहा है। परिवार का दावा है कि हिंसा के दिन जीतू मौके पर मौजूद नहीं था। जीतू की मां ने कहा है कि अगर उसका बेटा दोषी है तो उसे सजा दी जाए। और यहाँ पे जो शाने में हिंसा हुई है, घटना हुई है, उसमें मेरे भाई को फंसाया जा रहा है एक षड्यंत्र के स्वरूप। बेरी ने नाम लिया, अगर मेरे जीतू का नाम है तो बेटा फौरन खूब सजा दे डट के। यह पुलिस वाला उस माँ का लाल नहीं पा रहा, यो लाल मेरा भी है। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने भी कहा है कि सेना जांच में पूरी तरह मदद करने को तैयार है। अगर कुछ एविडेंस आएगा तो हम लाएंगे उसको, अगर पुलिस चाहेगी उसको कि अगर उसे किसी को शक है तो हम उसे पुलिस के आगे प्रोड्यूस करेंगे। हम पुलिस के साथ पूरा सहयोग करेंगे उसको। यूपी के एडीजी की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिलने के बाद यूपी सरकार ने बुलंदशहर हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई की है। राज्य सरकार ने 3 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया है। बुलंदशहर में SSP कृष्ण बहादुर सिंह का तबादला किया गया है। उनकी जगह प्रभाकर चौधरी को कमान सौंपी गई है।
सियाना के सीईओ सत्य प्रकाश और चिंगरावठी के चौकी इंचार्ज सुरेश कुमार का भी ट्रांसफर किया गया है। सरकार पूरी तरह से निष्पक्ष होकर के काम कर रही है, किसी को बचाया नहीं जा रहा है, लेकिन पुलिस की भी भूमिका पर जांच होने की आवश्यकता है। वो भी संदेह के घेरे में है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर कई ऐसे जिले हैं, पीलीभीत से लेकर के मुरादाबाद तक सब ऐसे हैं जहां पर गौकशी हो रही है और उस पर कार्रवाई जो होनी चाहिए वो बड़ी धीमी गति के साथ हो रही है। एडीजी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में बुलंदशहर हिंसा पर पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाया गया था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही इस मामले में लापरवाही बरतने वाले दूसरे अफसरों पर भी कार्रवाई हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।